फूलों में कांटे भी होते हैं। दोस्त खूबसूरत हो ये जरूरी नहीं, दोस्ती खूबसूरत होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इस स्टाइल ने तो हमें घायल कर दिया। रियली सर? आप दोनों कौन है आप लोग? ये हम ही तो हैं जिन्होंने आपको घायल कर दिया है। What? सर, he meant to say कि ये फूलों का गुलदस्ता सर हम लेके आए हैं सर। आप दोनों ने? नो नो सर, हम दोनों दिव्यानी चौहान। आप दोनों का नाम दिव्यानी चौहान है? ओ नो 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 सर, आई एम दिव्यानी ही चौहान। ओ नो सर, ही आई एम चौहान ही दिव्यानी। ओ शट अप शट अप शट अप मिस्टर शर्मा, लेट मी एक्सप्लेन सर, बिकॉज आई एम इंटेलिजेंट सर। सर, आई एम मिस्टर वर्मा, राइट हैंड ऑफ मिस दिव्यानी चौहान, एंड ही इज मिस्टर शर्मा, लेफ्ट हैंड ऑफ दिव्यानी चौहान। सर, थोड़ा सा ऊपर से कम है क्योंकि फिर टिंडा से आया सर। नो 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 नो, ये भागलपुर की पहली ट्रेन से भाग कर आया सर, अभी अभी आया है। नो नो सर, एक्चुअली सर, दिव्यानी मैडम ने आपके लिए गुलदस्ता भेजा है, तोहफा, ताकि आप इनकी दोस्ती को स्वीकार कर सके। इंटरेस्टिंग। अपनी मैडम से कहिएगा कि सुंदरता मुझे हमेशा से पसंद है, दोस्तों या फिर दोस्ती, खूबसूरती हमेशा से मेरी कमजोरी रही। और देवयानी चौहान जैसी औरतें अपनी खूबसूरती का फायदा उठाना बहुत अच्छी तरह से जानती। संजना गुजराल, राइट? राइट राइट सर, एंजॉय योर इवनिंग, आई टेक यू लीव। ओके सर। कमाल है, पता नहीं क्यों आज की शाम दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाने वाले लोगों के अंदाज बड़े कमाल के। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। और ये अंदाज और भी खूबसूरत तब होता है जब दोस्ती किसी मकसद के लिए की जाए। अब तो रिश्ते भी जरूरतों से बनते हैं, फिर क्या फर्क पड़ता है अगर दोस्ती के पीछे मकसद हो। और वैसे भी बिना मकसद की दोस्ती बड़ी बोरिंग सी हो जाती है। वेरी गुड, तो फिर तो ये मौसम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मिस इंडिया 2005 का इवेंट नजदीक आ रहा है। यू हैव समथिंग? कॉफी? कॉफी, टू कॉफी प्लीज। क्या ख्याल है? मैंने आपके बारे में बिल्कुल ठीक सुना। संजना गुजराल जब भी बात करती है तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के बारे में बात करती है। तो फिर लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम, बल्कि गड़बड़, वो क्या है कि आप जानती हैं मैंने ये कंपनी अभी रिसेंटली ज्वाइन की है, और यूनिकॉर्न मीडिया ग्रुप की सारी पॉलिसीज, सारी स्ट्रेटजीज जिस कंप्यूटर में फीडेड हैं, वो कंप्यूटर मुझसे जरा सा नाराज है। और जब तक ये नाराजगी दूर ना हो जाए, मेरे लिए कोई भी फैसला लेना तो दूर, कुछ भी कहना नामुमकिन। कंप्यूटर और नाराज, किस कंप्यूटर की बात कर रहे हैं? मेरी पर्सनल सेक्रेटरी सुहानी सहाय। ये ले बेटा। अरे ये क्या, तो अभी तक अखबार पढ़ रही है? 9 बज गए हैं, ऑफिस नहीं जाना है? नहीं माँ, मैंने वो नौकरी छोड़ दी है। नौकरी छोड़ दी? लेकिन क्यों छोड़ी नौकरी? क्योंकि अब इस शहर में रहने के ना ही कोई मायने हैं और ना ही कोई मकसद, फिर ये नौकरी क्यों माँ? माँ, मैंने फैसला कर लिया है, अब हम इस शहर में नहीं रहेंगे। हे भगवान, तेरा शुक्र है, आखिर को ये राजी हो गई शहर छोड़ने के लिए। वैसे भी बेटा,
इस शहर ने हमें दिया ही क्या सिवाय दुख और तकलीफों की। हम वापस इलाहाबाद चले जाएंगे, वहां की मिट्टी में तू पैदा हुई है, भगवान ने चाहा तुझे वहां अच्छी सी नौकरी मिलेगी। इस शहर में ना रहने का ये तो मतलब नहीं है माँ कि हम इलाहाबाद वापस जाएंगे। इलाहाबाद तो मैं तभी नहीं जाना चाहती थी जबकि संजना गुजराल ने हमें बेघर किया, और मैं आज भी नहीं जाना चाहती जबकि उसी संजना गुजराल ने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। क्या मुंह लेकर जाऊं माँ, क्या मुंह लेकर जाऊं? वो धरती जिसकी मिट्टी पर हमारी पुरखों की आत्मा बसती है, वो मिट्टी हमें कोसेगी माँ। वो मुझसे सवाल करेगी कि सुहानी तुमने साबित कर ही दिया कि बेटी बेटी होती है, वो कभी बेटा नहीं बन सकती। माँ अगर आज राजीव का भाई होता तो वो उसे इस तरह इस अजनबी धरती पर तड़पता बिलकता छोड़कर वापस नहीं आता, कभी नहीं आता। नहीं माँ नहीं, मैं इन सब सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगी। मैं इलाहाबाद नहीं चल सकती माँ, आप मुझे इलाहाबाद चलने के लिए मजबूर ना करें। इलाहाबाद नहीं चल सकती तो फिर मेरा बच्चा मुझे ये बता, हम लोग जाएंगे कहाँ? कहीं भी जहां मुझे मेरे अतीत की यादें डराए नहीं, मेरी कायरता मेरी मजबूरी मेरी अहम की चुनौती अनसुना कर सके, जहां सहाय खानदान मुझे पुकारे नहीं, और जहां मैं अपने जज्बातों को इतना रौन सकूं कि संजना गुजराल ने भीख में दी हुई जिंदगी की लाश अपने कंधों पर ढो ढो कर जी सकूं। या दैट विल बी ओके मिस्टर मेहता, गुड मॉर्निंग। जी हाँ जी, हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जल्द से जल्द बुलानी चाहिए और 2005 के इवेंट्स की स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए। जरा सी देरी भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। या दैट विल बी फाइन, ओके। गुड मॉर्निंग सर। आप मेरे कैबिन में आइए प्लीज। मैं भी वही सोच रही हूँ सर जो आप सोच रहे हो। सर आप यही सोच रहे हो ना कि ये जगह खाली है। मैं भी वही सोच रही थी सर कि ये जगह खाली अच्छी नहीं लगती सर। सर जो जगह खाली होती है ना वहाँ सुनापन होता है, और सुनापन की सर कोई भी कीमत नहीं होती है। सर अगर आप चाहें तो सनम ये सुनापन आपकी दूर कर सकती है सर, अगर आप चाहें तो। सर बाद में सनम। सनम सनम मैडम, लगता है बोस पे आपका जादू नहीं चल पाएगा। शट अप, कुछ भी बोलते हैं। तो सुना नहीं क्या सर ने क्या कहा? बाद में सनम। सॉरी सर, लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं। Then get lost, please. Leave. बस इतनी सी बात। इतनी सी बात पर नौकरी छोड़ दी। मैंने तो उसे चेंबर छोड़ने के लिए कहा था और वो नौकरी छोड़कर चली गई। करण, इस तरह की लड़कियां बहुत स्वाभिमानी होती हैं। और फिर तुमने भी जानने की कोशिश नहीं की
कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा था, आखिर क्यों वो इतनी परेशान थी। तुमसे गलती हुई है करण, बहुत बड़ी गलती हुई है। क्या खास गलती हुई है? अगर कोई अपने मन की बात बताएगा नहीं तो भला जानेगा कैसे कोई? और उसका एटीट्यूड देखो, मैंने उसे चेंबर छोड़ने के लिए कहा और वो नौकरी छोड़कर चली गई। इंटरेस्टिंग। मैं कमिंग सर। क्या है सर? ये फाइल। जस्ट गेट आउट, जस्ट लीव। क्या हो गया मुझे? ओके, कंडीशन तो ठीक लगता है, मेरे ख्याल से इसी को फाइल कर। ओके सर, गुड मॉर्निंग। चला बेटा, बिल्कुल सही वक्त आई। ये देखो, ये है हमारी कंपनी का फाइनल कोटेशन जो हमने मिस इंडिया 2005 के लिए तैयार किया। तुम भी जरा एक नजर देख लो। ओके। कोटेशंस तो बिल्कुल सही है पापा, जो हम सालों से यूनिकॉर्न मीडिया ग्रुप को देते आए हैं। लेकिन इस साल यूनिकॉर्न मीडिया ग्रुप के तेवर कुछ बदल से गए हैं। हमें हर कदम सोच के और फूक फूक के रखना चाहिए। आई नो बेटा, लेकिन हमने बहुत कम मार्जिन प्रॉफिट के ऊपर ये कोटेशन तैयार किया है। एंड आई डोंट थिंक सो कि इतने कम बजट के अंदर कोई और कंपनी इस इवेंट को अंजाम दे सकती है। आप ठीक कह रहे पापा, आप ठीक कह रहे। लेकिन अगर यूनिकॉर्न मीडिया ग्रुप अपनी पॉलिसी चेंज करती है तो हमें भी अपने कोटेशन चेंज करने पड़ेंगे। मतलब? यूनिकॉर्न मीडिया कंपनी का बुखार अभी तक सुहानी के सर से उतरा नहीं है। तुमने तो कहा था कि सुहानी ने नौकरी छोड़ दी। हाँ पापा, सुहानी ने तो नौकरी छोड़ दी है, लेकिन लगता है वो करण धनराज सुहानी का पीछा नहीं छोड़ना चाहता। कम ऑन संजय, डोंट बी किडिश। सुहानी चाहे वापस उस कंपनी में आ जाए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो उस कंपनी की पॉलिसीज तय करने लगेगी। देखो बेटा, जो भी स्टाफ एफिशिएंट और काबिल होता है, कोई भी कंपनी उसे छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कंपनी उसके दम पे चलती है। नहीं पापा, नहीं। औरों की बात सुहानी पे लागू नहीं होती। सुहानी इतनी शातिर और चालाक लड़की है ना, जाने सामने वाले आदमी पे क्या जादू कर देती है। पहले वो आदित्य धनराज था और अब करण। करण उसके बगैर कोई फैसला ही नहीं करना चाहता। ये लड़की मेरी जिंदगी में मासूम बनती जा रही है। जब से मेरी जिंदगी में इसके मनहूस कदम पड़े हैं, मैंने तो सिर्फ खोया ही खोया है। लेकिन अब नहीं, अब मैं कुछ भी खोना नहीं चाहती, कुछ भी। माँ, मेरा दिल घुट रहा है। माँ उठो, माँ उठो। माँ तुम्हारी गोद की बड़ी याद आ रही है। माँ ऐसा लगता है जैसे सदियों गुजर गए, चैन की नींद सोए हुए। मेरी आंखें जल रही हैं माँ, सोना चाहता हूँ। लेकिन ये आंखें बंद होने का नाम ही नहीं लेती। जानती हो क्यों माँ? क्योंकि मेरी आत्मा तड़प रही है माँ, और मेरी तड़प तभी मिटेगी माँ जब संजना को सुहानी के हाथों सजा मिले, वरना मेरी आत्मा तड़पती रहेगी माँ, तड़पती रहेगी, तड़पती रहेगी, तड़पती रहेगी। राजीव, Thank you.
राजीव, राजीव मुझे माफ कर दे बेटा। मेरी ममता स्वार्थी हो गई थी। सुहानी को खोने का डर और अकेलेपन के खौफ ने मेरी ममता पे स्वार्थ का पर्दा डाल दिया था बेटा। मुझे ये भी नहीं दिखाई दिया कि मेरे बेटे की आत्मा तड़प रही है, उसके सब करार है। मुझे मेरी बेटी सुहानी का दुख भी नहीं दिखाई दिया, उसके जमीर पे पड़े हुए जख्म भी नहीं दिखाई दिए। Share, like and subscribe our DigiTube.